तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात कर रहे हैं इंटरेक्ट विथ डायलॉग बॉक्सेस या फिर कस्टमाइज डायलॉग बॉक्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट ओपन फाइल नेम मेथड के बारे में, इसके बारे में एक बार हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई पर्टिकुलर फाइल लेते हैं तो उस फाइल को आप लोग क्या करते हैं, सेव एज करते हैं, राइट। सेव एज करते समय आपको एक प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी आता है जहां से आप चूज करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं तो फिर वो सेव होता है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन यहां पे आता है कि अब मैं भी एक माइक्रो बनाता हूं, तो माइक्रो बनाने के लिए मैं विजुअल बेसिक में जाके इंसर्ट माइक्रो करता हूं मॉड्यूल्स में, और मैं सब्जेक्ट देता हूं। अब मैंने मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया कि एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, तो सेव एज में मुझे यहां पे पाथ देना होता है कि मैं डी ड्राइव में जाऊं 2019 के फोल्डर में 123.xlsxm जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में सेव कर दे, राइट। अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि एवरी टाइम मुझे इसका यूज करना, मतलब एवरी टाइम मुझे यहां पे फिक्स रखना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूजर अपने हिसाब से कहीं भी फाइल को सेव कर सकता है। जैसे कि आपने कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई है जो कि सेव करते समय वो एक अलग फाइल क्रिएट करता है, उस फाइल को सेव करने का ऑप्शन आप डिफॉल्ट ना रखें, आप यूजर के ऊपर कर दें कि भाई यूजर के पास वो डायरेक्टरी का जो डायरेक्टरी फंक्शन होता है, डायरेक्टरी का पूरा आए चेंज डायरेक्टरी का जो कमांड होता है जिसमें हम फाइल नेम वगैरह डालते हैं, और वहां पे जो हम फाइल नेम फोल्डर जो पाथ और फाइल नेम देंगे वही फाइल नेम हमारा सेव होगा। तो चलिए इसके लिए हम बात करते हैं कि कैसे करेंगे। प्रॉब्लम समझ में आया सर, करना क्या है, यहां लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट गेट सेव फाइल नेम। अब इसको ब्रैकेट में कुछ देना होता है, सबसे पहले आता है इनिशियलाइज नेम, फिर आता है इसमें देखिए इनिशियलाइज नेम फाइल फिल्टर इंडेक्स टाइटल एंड बटन से जो भी है वही आपको देना होता है। अब इनिशियलाइज नेम के बारे में पहले हम जानते हैं कि इनिशियलाइज नेम क्या करता है। इनिशियलाइज नेम होता है कि एक स्पेसिफिक फाइल नेम हमें सजेस्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया इनिशियलाइज फाइल नेम डेटा, फाइल फिल्टर मतलब कि कौन सा ये होना चाहिए आपका फॉर्मेट, कि आपको फाइल को किस फॉर्मेट में चूज देते हो कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैंने यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा एक्सेल फाइल, राइट। और यहां पे हमने स्टार्ट डॉट xlsx फॉर्मेट दे दिया ब्रैकेट कॉमा एंड क्लोज अगेन स्टार डॉट xlsx। अब इसमें और भी चाहिए आपको तो इसमें आप n% लगा के और भी फॉर्मेट दे सकते हो। अभी एक क्या है बताता हूं आपको, जब आप फाइल को सेव एज करते हैं ना तो नीचे कई सारे टाइप्स होते हैं आपके, ये टाइप होता है ना यहाँ पे, ये टाइप के लिए होता है कि कौन सा टाइप चाहिए उसके लिए
उसका फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे मैं फिलहाल एक ही रखा, आपको एक से ज्यादा चाहिए तो एन परसेंट लगा के इस पे आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक ही रख दिया, इसमें कॉमा देना होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा फिल्टर इंडेक्स नंबर डिफॉल्ट 1 दे दिया, टाइटल हमने लिख दिया सेलेक्ट सेव फाइल, और हमने इसको बटन यहाँ पे बटन ऑन टेक्स्ट पे लिख दिया सेव। अब क्या होगा इस चीज को एक बार देख लीजिए, सॉरी ये एक फंक्शन है तो मुझे इसके ऊपर एक वेरिएबल देना पड़ेगा fn, सॉरी ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया। हाँ सर, वो कहीं पे से फाइल और उसका मांग रहा है कुछ, नहीं नहीं वो अलग था fn। अब देखिए क्या देता है, तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, रन किया देखा आपके सामने रैक्टी आ गया, डिफॉल्ट आपका डेटा आ गया, डिफॉल्ट आपका एक्सेल फाइल आ गया, समझ गया। अब मैं लोकेशन अपना लोकेशन सिलेक्ट कर दिया इसमें एंड सेव करता हूं, तो देखिए पूरा पाथ लिख के आ गया यहां पे। अगर सर अब एक फाइल को सेव नहीं किया, फाइल का पूरा पाथ दे दिया, अब आपको सेव करवाने के लिए सेव का कोड देना है और जहां पाथ देते थे उसकी जगह पे आप वो वेरिएबल को कॉल कर लें। अब मैं अगर इस माइक्रो को रन करता हूं तो मेरे पास लोकेशन आएगा सेव करने का, मैं अपना लोकेशन नेम वगैरह लिख के जैसे सेव पे क्लिक करूंगा मेरा फाइल उसी में सेव हो जाएगा, समझ गए सर जी। अब इसमें एक अगला जो ऑप्शन आता है उसको एक बार देख लेते हैं। अब इसमें अब अगला ऑप्शन आता है ऐसे, अगर क्या मैं फोल्डर चूज कर सकता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमने हमने अपने इस इसमें एक कोई एक प्रोग्राम कराया था, हाँ डाल दो, एक प्रोग्राम कराया था अपने इसमें इंसर्ट मॉड्यूल्स करता हूँ, मैं रखूँ तो मैंने एक प्रोग्राम कराया था कि एक पर्टिकुलर फोल्डर में कितने फाइल है उसका हमने लिस्ट निकाला था। चलिए उसी प्रोग्राम को हम दोबारा बताते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फोल्डर है मेरे डेस्कटॉप में, न्यू फोल्डर करके आता है एक, इसमें कई सारे एक्सेल फाइल है, मुझे सारे एक्सेल फाइल की लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम डीआईडी फंक्शन लिखेंगे, हम लिखेंगे डिम fn एज ए यहां पे स्ट्रिंग, और यहां लिखेंगे fn इक्वल टू dir, और हम यहां पे अपना जो डेस्कटॉप पे हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर का हम पाथ लेते हैं, पूरा पास ले लेते हैं, सॉरी पूरा पास के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा ना, हम पूरा एग्जैक्ट पास ले लेते हैं यहां से कॉपी, और यहां इन्वर्टेड कॉमा में इसको हम पेस्ट करते हैं स्लैश लगा के, और यहां स्टार डॉट एक्सएलएस एम, और उसके बाद यहां पे हमने दे दिया वीवी नॉर्मल फाइल, फिर ए, ए, ए तो हमारा ये है एक ही वेरिएबल है, हमने क्या किया हमने यहां पे लिखाया लूप लगाया कि डू व्हाइल fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक,
उसके बाद हमने अपने जो हमारा शीट है वर्कशीट है उसी में करवाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा रेंज A65000.and.xlsup.offset1,0.value is equal to fn, और यहां पे हमने लिख दिया fn equal to dir bracket close, और यहां पे हमने लिख दिया loop। हाँ अखिलेश जी, हाँ सर, सॉरी सर, तो ए फाइल क्या करता है कि हमारा जितने भी ए है नेम है एक्सेल फाइल है XLSM की फाइल है उसका लिस्ट देखिए आपको यहां बना के दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसने सिर्फ एक फोल्डर का लिया, अब मुझे कल के डेट में फोल्डर अलग फोल्डर करना होगा तो पूरा फोल्डर चेंज करना पड़ेगा मुझे, राइट सर। तो जैसे यहां हमें सेव एज करने के लिए यूजर को दिया कि भी आप सेव एज कर सकते हो, क्या ऐसे ही हम फोल्डर सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहां नहीं बना सकते? अगर ऐसा बना जाएंगे तो ये पूरी तरह डायनेमिक हो जाएगा क्या? जसपाल जी चले गए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, चलिए यहां लिखेंगे हम dim path p as a string, और यहां पे हम देंगे with application dot file dialog। अब file dialog में आप यहां पे जैसे कोई पर्टिकुलर फोल्डर एक पर्टिकुलर फोल्डर को चाहिए, इसमें सेव एज ऑप्शन होता है, ये सारा यहाँ कर सकते हैं। जो आपने गेट सेव एज फाइल नेम वाला किया था वो आप इससे भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर फाइल को पिक करना है या पर्टिकुलर फोल्डर को पिक करना है या सिर्फ डायलॉग को ओपन करना है या सेव एज करना है, ये भी कर सकते हैं आप। तो मुझे यहाँ पे फोल्डर पिकअप चाहिए, पिकर चाहिए, तो हमने फोल्डर पिकर ले लिया। अब इसमें क्या क्या देना होता है, डॉट इनिशियलाइज नेम, इनिशियलाइज नेम में आपको देना होता है डिफॉल्ट पाथ कि आपका एक पाथ क्या है, डिफॉल्ट जैसे डायरेक्टली ओपन होगी तो कौन सा डिफॉल्ट पाथ लेगा, वो एक डिफॉल्ट पाथ आपको देना होगा। कोई भी पाथ आप लेके दे दीजिए, मैं इसी पाथ को लेके दे देता हूं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि डिफॉल्ट पाथ आपका फोल्डर वाला ही होना चाहिए, कोई भी पाथ जो फर्स्ट टाइम ओपन होगा इसलिए। अब उसके बाद इसमें देना होता है टाइटल, ऊपर जो हेडिंग लिखा होता है क्या आना चाहिए वो आप दे दीजिए, टाइटल दे दिया हमने, सेलेक्ट फोल्डर, फिर हमने डॉट लिखा इसमें डॉट नहीं क्योंकि मुझे इसमें वापस करना है पी, हाँ पी इक्वल टू डॉट सिलेक्टेड आइटम, यहाँ पे हमने जीरो कर दिया, जीरो नहीं वन होगा, माफ कीजिएगा वन, और फिर डॉट शो, शो जरूरी है ध्यान रखिएगा, नहीं डॉट शो ऊपर होना चाहिए,
क्योंकि सिलेक्ट होने के बाद शो होगा तो क्या फायदा, डॉट शो, और फिर यहां पे लिख दिया हमने एंड विथ, राइट। अब जैसे ही हम अपना, अब इसमें यहां ऊपर जो है हमारा, एक बार मैं यहां पे एंड लगा देता हूं और चेक कर लेता हूं कि क्या रिजल्ट आता है, एम एस जी बॉक्स पी, रिजल्ट चेक करना जरूरी होता है, तो मैं उसको आगे यूटिलाइज करूंगा। तो जो भी फोल्डर नेम मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि मैं डी ड्राइव में अगर हमने जूम को सिलेक्ट करके ओके किया, देखिए जूम आया, और मैं इसलिए चेक कर रहा था कि जो लास्ट में जो स्लैश होता है ना, ये स्लैश इसमें नहीं आता है, मैं देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको चेक किया, ठीक है। यहाँ देख रहे पाथ में स्लैश चाहिए लास्ट में, यहाँ स्लैश नहीं है। अब चलिए ये पता चल गया हमें, तो अब मैं क्या करता हूं कि डायरेक्टिव फंक्शन में जाता हूं और इसको हटा के पी के साथ मैं इसको कंबाइन कर देता हूं, राइट। अब जो है अब मैं पता चले गुड, एक गुड देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक बार टेस्ट करता हूं यहां पे, अब मैं यहां पे डी ड्राइव में गया और मैं डीवीडी में गया, एक्सेल में गया, एक्सेल में भी मैं डेटा मेनू बार में आता हूं एंड ओके करता हूं, आ गया सर। तो पूरी तरह डायनेमिक हो गया ने, हेलो जी जी। तो आपने फाइल डायलॉग में क्या हुआ कि आपने फोल्डर पिकर, फाइल पिकर या सेव एज करना हुआ, ये चीज आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। ये जैसे आपने यहाँ पे डायलॉग फोल्डर पिकर उठाया, इसी तरह से डेट पिकर वगैरह भी आता है क्या इसमें? नहीं, डेट पिकर अलग होता है, वो उसके लिए कैलेंडर होता है। नहीं, जैसे हम उसमें अदर प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि वो जे क्वेरी वगैरह लगी होती है, तो इसमें डेट पिकर ऑटो मोड में नहीं होता ना, नहीं बना। हाँ, इसमें क्या होता है कि दो चीज होती है, इसमें आप टूल्स में अगर जाते हैं ना, क्योंकि वो तो आपको लगानी पड़ती है, तो टूल्स में हाँ जी, हाँ जी। के बाद आपको यहाँ पे हो सकता है कि कैलेंडर कंट्रोल मिले। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो वर्जन टू वर्जन, अब मेरे इस वर्जन में देखिए कैलेंडर कंट्रोल नहीं है। जी जी जी, नहीं है ना, या फिर आपको यहाँ पे डीटी पिकर दिखेगा, डीटी पिकर, तो दोनों नहीं। अच्छा, वो डीटी पिकर डेट पिकर ही होता है वो, ठीक है। हाँ, डीटी पिकर। अब इसके लिए अगर सिस्टम में नहीं है तो इसका जो ये होता है पैच होता है, वो एडिंस, एडिंस नहीं पैच होता है वो। अच्छा, वो पैच जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारा पैच छूट जाता है, उसके लिए होता है। तो आप यहाँ पे लिख दे डीटी पिकर या कैलेंडर का डीटी पिकर इन एक्सेल डाउनलोड, तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आपको डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, वो डाउनलोड दे देगा, ठीक है। डाउनलोड यहाँ पे देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट फाइल फॉर्मेट जी 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 माइक्रोसॉफ्ट का, वो कैलेंडर कंट्रोल वगैरह भी होता है, उसको भी लेना पड़ता है, तो उससे कर सकते हैं फिर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है सर कि आपके सिस्टम में तो दिख जाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम में वो पैच डाउनलोड है जी जी, लेकिन दूसरे में वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम करेगा नहीं। ये तो मैं सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा था कि ऐसा होता है क्या, इसीलिए हम जो है चीजें नहीं बताते, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, बच्चे फोन करते हैं कि सर मेरे उस सिस्टम पे नहीं चल रहा है, वहाँ चल रहा है तो इस सिस्टम पे नहीं चल रहा है, क्योंकि उस सिस्टम में पैच था, क्योंकि वर्जन टू वर्जन होता है जी जी, और यहाँ पैच नहीं है, तो इसलिए सर, राइट सर।
हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी सर, इसमें जैसे एक फोल्डर में से आपने लिया उसके सारी फाइल्स आ गई, हाँ अगर इसी फाइल के अंदर हम सभी फोल्डर की या जितने भी फाइल्स हैं एक ही शीट के अंदर ले सकते हैं ना सर? अब उसके बाद दोबारा रन करके उसी रो के नीचे अगले फोल्डर की सभी फाइल्स आ जाएंगी ना सर? हाँ। इसमें एक चीज तो और सर आगे चल अब के मैं इसमें और ही बताऊंगा कि इसमें क्या है कि सिर्फ फोल्डर को रीड करता है, सब फोल्डर को रीड नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैंने एक प्रोग्राम काफी पहले बनाया था कि जैसे हमने एक फोल्डर लिया तो उस फोल्डर के जितने भी सब फोल्डर थे उस सब फोल्डर को देखा, फिर सब फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर थे उसको देखा उसने। थोड़ा तो सा पेचीदा प्रोग्रामिंग थी वो, थोड़ा सा मुझे अपना डायरी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके थ्रू क्या हुआ था कि एक फोल्डर सेलेक्ट कर ले, उस फोल्डर के अंदर में उस फोल्डर के सब फोल्डर के सब फोल्डर जितने भी एक्सेल फाइल उस फोल्डर में कैरी है वो सारा शो कर जाता है। लेकिन अभी जो आप यहाँ प्रोग्राम बनाए, क्योंकि हमने अपने प्रोग्रामिंग कोड में यहाँ डिस्कस कर रखा है, यहाँ दिख रहा होगा कि हमने ऑफसेट का ऑप्शन लगा रखा है, तो जी। अब मैं दूसरा रन करूंगा तो वो नीचे से ही करेगा, वो हाँ, ओवरलैप उसके नहीं नीचे ही करेगा, करेगा वो ओवरलैप कट। नहीं करेगा। तो आज हमने कस्टम डायलॉग बॉक्स की टॉपिक को खत्म कर दिया है, कल से हम यूजर फॉर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और सर अभी मैंने मेल भेजी आपको जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। मैं देख लेके मेरा 2 भर में मैं बना के दे दूंगा, थोड़ा सा रिसर्च करने का, अभी तो बैक टू बैक क्लासेस है तो सर दिमाग उतना फ्री नहीं है। हाँ सर ये मैंने वीडियो, आईपीटी आईपीटी दिल्ली वाली पे भेजी है ठीक है सर, थैंक यू, मैं देख लेता सर। हूँ। ये वीडियो कहाँ से मिलेंगी सर डाउनलोड करने के लिए? मेरे सर पे कोई वीडियो है नहीं तो सर। डाउनलोड ऐसे मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लेकिन वीडियोज ये जूम ऐप लेने का पर्पस यही था कि आप खुद ब खुद इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हाँ और हो सर जाती है, मैं भी कर रहा हूँ। वो अल्ट ये सर कहाँ प्लस से होती है? आर, अल्ट प्लस आर प्रेस करना होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के लिए ज्वाइन करना होगा सिस्टम से। हाँ डेस्कटॉप से या उस लैपटॉप से करना पड़ेगा ये? सिस्टम से, ठीक है ना। ठीक है सर। मोबाइल से मतलब रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना सर? नहीं मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं, तो मोबाइल से आप एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए ना, जो मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है, राइट 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 सर। ठीक है सर। ठीक है ना। रिकॉर्डिंग का दिक्कत होता था तो मैंने सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया, अब जो है बच्चे स्टूडेंट खुद रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है सबके लिए। ठीक है सर। आपकी सर टाइम ये सेविंग भी लॉजिक सर। का मैच होगा? जी ठीक है, बाकी जी आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा मुझसे, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और सर ओके सर। टाइम से सर 8 बजे के आसपास ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बाद एक और क्लास है सर, तो वो लोग फोन करने लगते हैं, ठीक है सर।